अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये माइक मैंने इसलिए करीब रखा है बिकॉज रूम पूरा खाली है तो इको ना आए, तो डेट्स वाई ये माइक वरना मेरा यहाँ पर लग होता है। खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, इन्फिनिक्स नोट 40X 5G के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और क्या ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा, ये मैं आप लोग आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर लॉन्च होगा कितनी क्या स्पेसिफिकेशन होगी, प्राइस क्या होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्मार्टफोन लॉन्च कब होगा पाकिस्तान में। बेसिकली इंडिया में इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज़ का अगस्त के मंथ में इन्फिनिक्स नोट 40X 5G लॉन्च होने वाला है। अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो मे बी ये स्मार्टफोन रीब्रांड करके पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता है, इन्फिनिक्स नोट 40 VIP 5G एडिशन करके कुछ नाम होगा, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज़ का एक फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 40 VIP रेसिंग एडिशन करके उसका कुछ नाम होगा, और ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च होने वाला है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 40X 5G के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा या फिर सिर्फ इंडियन मार्केट में ही लॉन्च होगा, सारा कुछ डिटेल में आपको आज की इस वीडियो बताऊंगा। अगर तो पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो कितनी प्राइस होगी और क्या स्पेसिफिकेशन होगी। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और वीडियो को एंड तक लाजमी देख लो, आप लोग शुरू के मिनट में ही छोड़ के भाग जाते हो, मुझे सब पता चल जाता है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो यार इन्फिनिक्स हॉट 40 इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो आप लोगों ने देख लिया होगा, अनबॉक्सिंग वगैरह सब निकल कर सामने आ चुकी हैं, उसी जैसा डिज़ाइन आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 40X 5G के अंदर। सबसे पहले इसका डिज़ाइन देखो यार, डिट्टो यार, मतलब टोटली कॉपी मारा गया है। एक मिनट के लिए तो मुझे आईफोन और एप्पल और सैमसंग की तरह फीलिंग आने वाली थी, बिकॉज सैमसंग की जो ए सीरीज़ है वो पूरा डिज़ाइन सारी लाइक पूरी एक ही लेकर चल रहे हैं। ए सीरीज़ है सैमसंग की और एस सीरीज़ है, काफ़ी हद तक डिज़ाइन लोग सेम टू सेम रखते हैं एप्पल वालों की तरह। जैसे अगर आप डिज़ाइन देखो एप्पल के फ़ोन का, आईफोन 15 प्रो मैक्स का, 14 प्रो मैक्स का देख लो, 13 प्रो मैक्स का देख लो, तो हल्के फुल्के आपको थोड़े बहुत फ़र्क देखने को मिलेंगे, ज़्यादा फ़र्क आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ, बैक स्मार्टफोन में प्लास्टिक की होगी, पर्सनली डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, बिकॉज 30-40 हज़ार में आईफोन मिल जाए तो क्या ही बात है लोग हटाने के लिए। खैर, फ्रेम प्लास्टिक का होगा। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, फ्रंट डिस्प्ले से ये स्मार्टफोन थोड़े बहुत बेजल वगैरह चिन्ह वगैरह लेकर आएगा, बट इन चीज़ों में एक वैल्यू वर्थ इट है ये स्मार्टफोन। इंडियन मार्केट में इस स्मार्टफोन की प्राइस जो है तकरीबन 16-17 हज़ार के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस होगी, या फिर अंडर 15,000 भी हो सकती है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करो ना तो 6.78 इंचेस का एक IPS LCD पैनल लेकर आएगा, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा और साथ ही XOS 14 के साथ आएगा, जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्फिनिक्स का, और इन्फिनिक्स ये क्लेम करता है कि 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट और 3 साल की मेजर अपडेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी, या फिर दो साल की मेजर अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी इस फोन के अंदर। बाकी ज़्यादा डिस्प्ले वाली साइड की बात है, ओवरऑल एक अच्छा डिस्प्ले कंसिडर होने वाला है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर तो स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो स्मार्टफोन की कितनी प्राइस होगी ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करूँ तो भाई 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट अभी तक एक ही वेरिएंट निकल कर सामने आया है, LPDDR4X रैम का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही UFS 2.2 की स्टोरेज भी आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ जो कि है परफॉर्मेंस। यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करूँ, हार्डवेयर वाले सेट की बात करूँ, भाई इस फोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Dimensity 6300 लगाया गया है। अब ये एक 5G चिपसेट है, ड्यू टू 5G चिपसेट पबजी के अंदर बेहतरीन ओवरऑल ये परफॉर्मेंस देगा, कितने FPS पबजी प्ले कर सकते हो, जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस होगी या फिर नहीं होगी, स्टिल इसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलती है, मुझे नहीं मिलती, तो भाई आप लोगों को मैं कैसे बता दूँ। खैर, ये 5G चिपसेट है, अब ड्यू टू 5G चिपसेट हमें काफ़ी स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया है, अब मैंने जानता यार क्यों बता तो दिया यार 5G चिपसेट है। खैर, मजाक कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल एक अच्छा चिपसेट है। इंडिया में स्मार्टफोन की प्राइस मैंने बता दी 15-16 हज़ार के दरमियान होगी। बाकी बैक कैमराज की बात करूँ, बैक पर रोल रेट कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा, 108 MP का मेन होगा, 2 MP का एक डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 8 MP की सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट से ये स्मार्टफोन 1080p 30fps तक ही मैक्सिमम को सपोर्ट करता है। अब बैक का नहीं पता है, बैक हो सकता है कि 1080p हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन बैक से 2K 30fps या फिर 2K 60fps को सपोर्ट करेगा, ये मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ।
यहाँ पर एक जो डाउनग्रेड मुझे देखने को मिलेगा, यहाँ पर आईपीएस की जगह एमुलेट डाल देते तो बेहतरीन हो जाता है। एमुलेट अगर आ जाता ना इस फ़ोन के अंदर तो फ्रंट पे इन डिस्प्ले में सेंसर भी आ जाता। अब क्योंकि आईपीएस है तो साइड मोटर सेंसर इस फ़ोन के अंदर दिया गया है, साथ ही फेस अनलॉक का भी आपको सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, एक स्पेसिफिकेशन वाइज एक अच्छा फ़ोन ये कंसीडर आप स्मार्टफोन को कर सकते हो। बाकी 5 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर, 18 वाट के चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार काफ़ी तगड़ा होने वाला है। अगर यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दे दे तो बेहतरीन बात होती है। इंडिया मार्केट में स्मार्टफोन तकरीबन 5 अगस्त के आसपास समथिंग कुछ लॉन्च होने वाला है। अगस्त के स्टार्टिंग वीक में ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ तो भाई अभी कोई चांस नहीं है स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च हो, लेकिन दुआ करनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह हमारी दुआ हर बार कबूल होती है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी कबूल होगी और ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च होगा। इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज़ का ये स्मार्टफोन है, इन्फिनिक्स नोट 40X 5G। हो सकता है कि यह स्मार्टफोन रीब्रांड करके पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च किया जाए इन्फिनिक्स नोट 40 5G के नाम से। लेकिन एक स्मार्टफोन जो कंफर्म है पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च होगा उसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 40 VIP रेसिंग एडिशन। ये स्मार्टफोन तो डेफिनेटली पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा अगस्त के सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के मिड में स्मार्टफोन लॉन्च होगा। उसके बारे में फिर किसी और दिन इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कब लॉन्च होगा, कैसे स्पेसिफिकेशन होगी। अब थोड़ा मैं बिज़ी भी चल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो क्या हालत हुई है सेटअप की, पीछे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, माइक हाथ में पकड़ के वीडियो बनानी पड़ी है आप लोगों के लिए, क्या करें यार अब मजबूरी है। खैर आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।